प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है और हर बार स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इस बार चौंकाने वाला और मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। मामला धनबाद के पीएमसीएच के सर्जरी वार्ड का है, जहां एक लावारिस व्यक्ति बेड की जगह 3 दिनों तक कूड़े के ढेर में पड़ा रहा और अंत में उसकी वहीं कूड़े के ढेर पर ही मौत हो गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब शव पीएमसीएच अस्पताल के पीछे कचरे में 4 घंटे तक पड़ा रहा और इसके बाद जब शव पर लोगों की नजर गई तो हल्ला शुरू हुआ। इसी बीच शव की मार्मिक तस्वीर को सोशल मीडिया के जरिए रांची में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भेज दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल के अधीक्षक को फटकार लगाई और तब कहीं जाकर पीएमसीएच प्रबंधन ने शव को कपड़े से बांधकर कचरे के ढेर से हटाया। बताया जा रहा है कि उसे 3 दिन पहले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भर्ती किया था। वहीं पीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि रांची में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से फोन आया कि पीएमसीएच के पीछे कचरे में लावारिस शव पड़ा हुआ है और तुरंत अस्पताल के कर्मचारियों से शव को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि कचरे में शव को जिसने रखा, ये पीएमसीएच को बदनाम करने की साजिश है। साथ ही कहा कि घटना को लेकर एक टीम बनाकर जांच की जा रही है। मैसेज आया था सचिव महोदय का, उसमें एक फोटो भी था, एक लावारिस लाश है, कचरे के ढेर पर एक कपड़े में बंधा हुआ एक लाश है। तो जो ही आया तो विभाग में गए, पता किए तो पता चला कि हाँ एक बॉडी, लेकिन जब हम गए तो स्पॉट पर वो डेड बॉडी था नहीं, तब तक वो वार्ड के अंदर में स्ट्रेचर पर ला कर के रख दिया गया था और पुलिस के द्वारा उसको पोस्टमार्टम की बात हो रही थी। लेकिन जब पता चला कि वो लावारिस लाश है और 3 दिन पहले भर्ती हुआ था लेकिन अपने बेड पर नहीं था, तो जब ये पता चल गया कि लावारिस है तो बोला कि तब इसका पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, इसको मॉर्चुअरी में रखवा दिया जाए। तो फिर उसको मॉर्चुअरी में रखवा दिया गया, लेकिन लाश वहाँ पहुँची कैसे, डेड बॉडी वहाँ कैसे पहुँचा, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है कि इस तरह की कहाँ लापरवाही हुई, किसके द्वारा लापरवाही हुई, ये बातें तो थोड़ी सी। स्थानीय लोगों की माने तो अस्पताल के पीछे कचरे में घंटों तक लावारिस शव पड़ा रहा। इसकी सूचना रांची में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और धनबाद उपायुक्त को दी गई थी। एक शव पड़ा हुआ है तो मुझे काफी ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस मरीज को लोग बड़ी उम्मीद से भर्ती कराए थे इलाज के लिए कि उसकी जिंदगी बच जाएगी, वो आदमी मर गया और प्रबंधन को इसकी जानकारी भी नहीं है। वो आदमी जंगल में उसकी शव पाई गई है, तो वो जंगल में कैसे पहुंचा और उसकी बॉडी उतने देर तक 4-5 घंटे तक वहां पर क्या कर रही थी, इस पूरे मामले की जानकारी मैंने झारखंड के स्वास्थ्य सचिव को मैंने व्हाट्सएप के जरिए और धनबाद उपायुक्त को व्हाट्सएप के जरिए जानकारी दी है और मैंने उनसे कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दूसरा चीज कि इस तरह का ये पहला मामला नहीं है पीएमसीएच में, कई बार इस तरह के बड़े बड़े मामले आए हैं, चाहे कोई भी, हर बार जांच कमेटी बनाई जाती है लेकिन जांच के बाद किसी भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती। इतने बड़े अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही मानवता को शर्मसार करने वाली है। स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि मामले को देखते हुए एक टीम का गठन करे और जांच के बाद जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।